20 जनवरी 2020 को इंडोनेशिया के समुद्र में अचानक एक मीडल फिश उछली और वहां बैठे 16 साल वाले जवान की गर्दन में जा लगी। मछली का मुंह तेजी से उसकी गर्दन में घुस गया और गर्दन के पिछले हिस्से से बाहर आ गया। अब्दुल नामी लड़के को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया जहाँ मुश्किल से उसकी जान बचाई गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको समुद्र से बाहर आकर हमला करने वाली ऐसी खतरनाक आदमी मखलूक के बारे में बताएंगे, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। पतली और इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ सफर करने वाली इस अजीब और गरीब आबी मखलूक को नीडल फिश या सुई मछली के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह खासियत यह है कि इसका मुंह बहुत नुकीला और लंबा होता है, जो अगर इंसान को चुभ जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। चोंच जैसे मुंह वाली सुई मछली का एक और पहलू यह भी है कि यह बहुत तेजी से तैरती है और अपनी जद में आने वाले इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। दुनिया के कई ममालिक में इंसान इसके अवसर से जख्मी हुए हैं, लेकिन मरने वालों की तादाद बहुत कम है। यह मछली कम गहरे पानी में तैरना पसंद करती है और अगर इंसानी कश्तियाँ आड़े आ जाएं, तो कतरा कर निकलने की बजाय बाहर निकल कर हमला करती हैं, लेकिन उस वक्त उनकी रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटे तक होती है और अगर इंसान इसकी जद में आ जाए तो उसे शदीद नुकसान पहुँच सकता है। अगरचे ये मछलियाँ इंसानों की दुश्मन नहीं, लेकिन वो खुशीली जरूर होती हैं और बहुत तेज़ रफ्तार से सफर करती हैं। यह नीडल फिश कश्ती पर भी झपटती हैं और इनकी जद में अक्सर कश्ती के मछेरे आ जाते हैं। इनके मुँह में बारीक तेज नकीले दांत भी होते हैं, ताहम शार्क के मुकाबले में इनका खतरा कदर कम होता है। बिलखसूस इंडोनेशिया में इन मछलियों के हमले आम हैं। ताहम 2014 में वियतनाम में एक रूसी सयाह इस मछली के हाथों मौत के मुँह में जा चुका है। यह थी हमारी आज की मालूमती वीडियो। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमती वीडियो के साथ। देखते रहिए बिग बॉड इन्फो। अल्लाह हाफिज़।